हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज एक नया वीडियो लेके आए हो जहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच फर्स्ट ओडीआई मैच होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप इस चैनल पे नए हो तो यहाँ पहले इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक मेन चीज़ है यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप ज्वाइन हो जा सकते हो। और वहाँ पर मैं आपको कोई भी टीम के बारे में, अगर मुझे कोई भी की प्लेयर्स लगते हैं या फिर साथ ही साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस लगते हैं या फिर कोई भी ग्रैंड लीग की टिप्स मुझे लगती है देनी चाहिए, तो वो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए सॉरी। और चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की वीडियो भी आई जाएगी जैसे ही वो दूसरा मैच ख़त्म हो जाता है। थर्ड ओडीआई के बारे में भी डाल दूंगा, तो उसके लिए आपको ओडीआई सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होने वाला है वो होने वाला है लंदन में, और यहाँ पे जून 13 को 5:30 के आसपास, तो इसी टाइम पे होने वाला है। तो कल के दिन और तो 4:30 तक आप बंद हो जाएगा, तो आप उसके पहले एडिट कर लेना। और साथ ही साथ में हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है किविंगटन ओवल इन लंदन, ये ग्राउंड पर होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश ODD कप्स हुए हैं, तो यहाँ पे कौन से बॉलर्स पिक करने चाहिए, कौन से बैट्समैन आपको अच्छे अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर चॉइस रहेगा, लेकिन बॉलर्स एक लॉजिस्टिक लॉजिक जो इस ग्राउंड पे चलता है वो ही आपको बता सकता हूँ। तो वो मैं आपको बॉलर्स में ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तो आप बैट्समैन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दूँगा तो आप वहाँ से आप पिक कर सकते हो। तो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है तो कौन से सेफ रहेंगे वो सारी चीज़ें भी आपको अंत तक पता चल जाएगी, तो आप अंत तक बने रहेगा तभी आपको सब सारी चीज़ें पता चलते जाएगी। यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से बात कर लेते, जो स्कॉटलैंड की तरफ अभी जो लास्ट मैच खेला था उन्होंने हार के आए थे, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है इस सीरीज़ को अब एक विन के साथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है इंग्लैंड के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी थोड़ा। यहाँ जहाँ पे आपको पता ही है स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर दोनों भी नहीं दिखेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो यहाँ पे बहुत ही तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जहाँ पे उनको स्टैंड अप लेना पड़ेगा अपने टीम के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेंगे तभी जाके जीतने के चांसेस बन सकते हैं। तो फाइव डेज़ का ODI मैच है, तो ये एक अच्छी फाइव सीरीज़ का ODI मैच है, तो ये तो अच्छे खासे मैच देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पिच कंडीशन, यहाँ पर किविंगटन ओवल जो एक अच्छी खासी बैटिंग पैराडाइज है जैसे हमने देखा ही है, और आपको मैं रिकॉर्ड्स के बारे में यहाँ पर बता भी दूंगा। तो यहाँ पर बॉलर्स को भी हेल्प मिल जाती है थोड़ी बहुत, अगर थोड़ा बहुत वेदर ओवरकास्ट रहेगा तो मोस्टली बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है। वो कौन से बॉलर्स होंगे, कौन से स्पिन है, पेसर्स है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको अंत तक बता दूंगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट ODI सीरीज़ के, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने 356 मारे थे और यहाँ पे इंग्लैंड के लिए थोड़े वेदर की वजह से रन स्कोर टारगेट उनका हो गया था 253, तो यहाँ पे उन्होंने आसानी से चेज़ कर लिया था, तो ये एक अच्छी खासी इंग्लैंड के लिए वापसी हो सकती है, लेकिन स्कॉटलैंड के हमें हार गए थे। तो यहाँ पे ODI में लास्ट गेम जो जीता था वो अच्छी खासी विनिंग की थी। अब बात कर लेते हैं वेन्यू स्टेट्स के ऊपर, तो यहाँ पे फर्स्ट गेम में एवरेज फर्स्ट इनिंग में एवरेज बनता है 250 का, यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में एवरेज बनता है 213 का। तो यहाँ पे हाईएस्ट टोटल बना है 398 का, जहाँ पे 5 विकेट गिरे थे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की तरफ। और यहाँ पे लोएस्ट स्कोर बना था 103 का, यहाँ से बना था हाईएस्ट रन चेज हुआ है 322 का, और यहाँ पे लोएस्ट डिफेंड हुआ है तो यहाँ पे 241 का। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एवरेज स्कोर बन सकता है, मेरे हिसाब से बनना चाहिए 250 से 300 के बीच में, तो ये एक अच्छा खासा विनिंग हो सकता है, या फिर 225 से लेकर 275 के बीच में, तो ये एक प्रिसाइज स्कोर हो सकता है यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि विकेट्स नहीं गिरेंगे पर विकेट्स भी गिरेंगे, रन्स भी बनेंगे, ऐसा ही है ये मैच हो सकता है। तो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टीम न्यूज़ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कोच ने बताया गया था, ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच ने बताया कि यहाँ पे मैक्सवेल, जैसे कि अब को पता ही होगा कि IPL में भी आपने देखा होगा कितना कोच अच्छा स्कोर नहीं मारा था, लेकिन यहाँ पे कोच बहुत ही इंप्रेस है मैक्सवेल से, क्योंकि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ट्रेनिंग में, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल किए थे अभी तक IPL में, लेकिन वापसी कर रहे हैं इस मैच में और अच्छी खासी हिटिंग्स, और उनको लग रहा है कि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में देने के बाद और कमबैक करने का चांसेस बहुत ही बढ़िया हो सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हो तो कोच ने क्या बोला था तो आप मैं उसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो अगर आप रीड करना चाहते हो आप रीड कर सकते हो। तो कोच तो बहुत ही इंप्रेस हुए ग्लेन मैक्सवेल की मेहनत से, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा स्कोर देखने मिल सकता है, तो वैसा कोच ने बताया था तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा खासा पिक हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं, लेकिन आप ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो इन्हें। एक
इस 5 सीरीज़ के ओडीआई मैच में 2 या 3 गेम में तो एक बड़ा हिट देखने मिल सकता है मैक्सवेल की तरफ से, क्योंकि सारे प्लेयर्स को स्टैंड अप करना पड़ेगा अपने टीम के लिए। यहाँ से हम बात कर लेते हैं एरन फिंच के बारे में, जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, और साथ ही साथ में ट्रेविंस हेड जो ओपन करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में हम एरन फिंच को मिडिल ऑर्डर में डाला गया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, जहाँ पर वो मिडिल ओवर स्पिनर्स को अच्छी तरह से खेल रहे थे। और यहाँ से ट्रेविस हेड को अच्छी खासी ओपनिंग करा दी, तो वहाँ पे भी उन्होंने 100 रन्स जड़ दिए थे, और एरन फिंच ने भी अच्छी खासी 50 रन्स मारी थी। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन मेरे को लगता है, वही चीज़ सेम फॉलो करने वाले ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो एरन फिंच आएंगे मिडिल ऑर्डर में और ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेंच स्टोक को यहाँ पे ऐड किया है स्क्वाड में, लेकिन ये शायद से ये मैच मिस करते हुए नज़र आ सकते हैं, मतलब नहीं खेलेंगे वो। क्रिस वोक्स की बात कर लेते, ये भी एक अनदर डाउटफुल प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के स्टार्टिंग में। तो ये दोनों भी प्लेयर्स आप रिस्की हो सकते हैं, बेंच स्टोक और क्रिस वोक्स, तो ये दोनों भी प्लेयर्स को आप रिस्क ना लेना चाहे तो आप मत लीजिएगा, सेफ के साथ खेलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ओडीआई है तो यहाँ पे प्लेइंग 11 में वो लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से प्लेइंग 11 के बारे में, तो विकेट कीपर में ऑप्शन मिल जाएंगे सबसे ऑलराउंडर अच्छे खासे विकेट कीपर जो है जॉस बटलर, जैसे कि आपने देखा ही हो आईपीएल सीजन में, और साथ ही साथ में इंग्लिश ओडीडी कप में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आईपीएल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बात कर लेते हैं बैट्समैन की, यहाँ पे ई मॉर्गन है, फिर यहाँ से जॉनी ब्रेस्ट्रोव है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा बैटिंग की थी तो लास्ट गेम में। तो यहाँ से बैट्समैन में आपको मिल जाएंगे एलेक्स हेल्स है, जे रूट है, फिर यहाँ से आपको मिल जाएंगे डाउटफुल प्लेयर है मेरे हिसाब से सैम बिलिंग्स, और यहाँ से जेसन रॉय, तो ये दोनों भी डाउटफुल प्लेयर लग रहे हैं, पर अगर कोई भी कंफर्मेशन लास्ट अभी तो टाइम है, कल आपको मैच के पहले ही सुबह ही मिल जाएगा आपको प्लेइंग 11 के बारे में, कोई भी न्यूज़ अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो हम बात कर ले तो ऑलराउंडर सेक्शंस के, यहाँ पे मोहन अली सेफ है, यहाँ पे डेविड विल्ली के बारे में थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि डेविड विल्ली इंग्लिश ओडीडी कप्स में खेल रहे, तो यहाँ पे खेलने के चांसेस थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं। हम बात कर लेते हैं, अगर कोई भी न्यूज़ आती है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। बोलर्स के बारे में बात कर लेते हैं, मार्क वुड है, फिर ऐसे लैम ब्रंकवेट है, जो लास्ट गेम में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी, 4 विकेट्स निकाले थे, तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है। अल राशिद है, यहाँ पे डाउटफुल हो सकते हैं 2 प्लेयर्स है, जैसे कि जैक बॉल है और जो बहुत ही बढ़िया बॉलर है, उन्होंने भी 4 विकेट्स लिए थे अपने लास्ट गेम में इंग्लिश ओडीडी कप्स में, और टॉम करन ने भी लास्ट गेम में 4 विकेट्स निकाले थे, लास्ट टू लास्ट मैच में भी निकाले थे इंग्लिश ओडीडी कप्स में, तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ओडीडी कप्स में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे वो सारी चीज़ें थोड़ी डाउटफुल हो सकते हैं, तो आप सेफ पिक के साथ जाइएगा। हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो प्लेइंग 11 हो सकते हैं विकेट कीपर में टीम है, तो आप मेरे ख्याल से आप विकेट कीपर में जॉस बटलर के साथ जाइएगा, अगर आप जाना चाहते हो तो आप इनके साथ भी आप जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन की तरफ से, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको एरन फिंच है, जो आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, ट्रेविस हेड है जो आपको फर्स्ट ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं, शॉन मार्श ये आपको मिल जाएंगे थ्री डाउन या फोर डाउन आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, ग्लेन मैक्सवेल जो अच्छे खासे ऑलराउंडर ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपको ये भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं मेरे ख्याल से, तो खेलने चाहिए क्योंकि कोच ने जैसा बताया तो उस हिसाब से तो मैक्सवेल खेलने चाहिए। फिर यहाँ से आपको थोड़े डाउटफुल मुझे लगते हैं डार्सी शॉट हो सकते हैं। यहाँ से हम बात कर ले तो ऑलराउंडर सेक्शंस के मार्कस स्टोनिस है, मार्कस स्टोनिस भी आप यहाँ उन्हें 2 डाउन या 3 डाउन आपके खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ से एरस्टन अगर ये एक अच्छे खासा ऑप्शन है यहाँ से। फिर बॉलर्स की बात कर लेते हैं, माइकल निसर है, फिर केन रिकार्डसन है, फिर यहाँ से थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं एंड्रू ट्रे है, फिर यहाँ से नतन है, फिर यहाँ से रिकार्डसन है, और फिर बेलिस टैनक्लेट है, तो ये सारे ऑप्शंस थोड़े रिस्की हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है कल मैं आपको मॉर्निंग में या फिर 12 के पहले मैं आपको प्लेइंग 11 के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो ये थोड़े बहुत डाउटफुल है लेकिन आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप इनको टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वो रिलीज़ हो चुका है, तो आप यहाँ से आप रीड कर सकते हो अगर आपको रीड करना है, तो और कौन से ऑप्शन है वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से जो की प्लेयर हो सकते हैं, जो ब्रेवस्ट्रोव है, तो बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक सेंचुरी मारी थी वहाँ पे संडे स्कॉटलैंड की तरफ से स्कॉटलैंड के सामने, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ से आपको पिक करने के लिए। लैम पैंक्वेट और राशिद दोनों ने बहुत ही बढ़िया
बॉलिंग कर रहे थे इंग्लिश ODD कप्स में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं यहाँ से। यहाँ से हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से आपको एरन फिंच मिल जाएंगे, फिर ट्रेविस हेड जो ओपनिंग करते हुए, और मार्कस स्टोनिस, ये भी 2-3 मैच में 2-3 राउंड में आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ पर आप इन्हें पिक कर सकते हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं माइकल नेसर है, फिर केन रिकार्सन है, फिर यहाँ से एक्सटन एगर है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे खेलते हुए नज़र आ गए थे, अच्छी खासी बॉलिंग की थी, विकेट टेकिंग बॉलर्स है, तो आप इन्हें आप पिक कर सकते हो। एंड्रू ट्रे का अगर आपको रिजल्ट मिल जाए, अगर कोई भी कंफर्मेशन मिल रहा है, तो फिर आपको मैं एंड्रू ट्रे का भी बता दूंगा, बहुत ही अच्छे बढ़िया बॉलिंग की थी वहाँ पे IPL में, तो ये भी एक अच्छी खासी ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन से बॉलर्स को पिक करना चाहिए, ये मैं आपके लिए जैसे स्टैट्स लेके आता था IPL में भी, वहाँ पर वापस लेके आऊँ। जो जो नए हैं इस यूज़र जो नए हैं इस बार वीडियो देखने के लिए, तो आपको पता नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट इनिंग में पेसर्स ने कितने रन मारे, तो जो फर्स्ट मैच इस ग्राउंड पे हुआ था इंग्लिश ODI कप्स का, यहाँ पे पहले ही जो फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट गए थे वो भी सारे के सारे पेसर्स ने लिए थे, तो यहाँ पे 10 विकेट फर्स्ट इनिंग में इतने आए थे। तो यहाँ पर बात कर ले तो सेकेंड इनिंग में 2 विकेट गिरे थे पेसर्स ने गिराए थे, और यहाँ से स्पिनर्स ने 0, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन से बॉलर्स डोमिनेट कर रहे थे। वैसे ही मैंने दूसरे मैच में 5 विकेट लिए थे पेसर्स ने, और यहाँ पर 2 विकेट्स लिए थे, और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट पेसर्स ने लिए थे और 1 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे। तो ऐसे करते करते सारी चीज़ें हम, तो आप देख सकते हो धीरे धीरे स्पिनर्स को भी विकेट्स मिलते जा रही है, और लेकिन यहाँ पे डोमिनेट हमेशा की तरह पेसर्स हुए। तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो 9:41 का रेशियो, आई मीन 41:9 का रेशियो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेसर्स लेने की ट्राई कीजिएगा, और स्पिनर्स को आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो, लेकिन एक स्पिनर ही रख सकते हो, रखना चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे विकेट्स मिल रही है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डोमिनेशन पेसर्स का है, लेकिन यहाँ पे स्पिनर, अगर कोई भी बॉलर स्पिनर अच्छा हो तो फिर आप उन्हें पिक कर सकते हो अपने नॉलेज के हिसाब से। तो ये सारे स्टैट्स है, अगर आपको अच्छा लगा हो सारे स्टैट्स, तो आप पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। चलिए तो फिर मैं आपको यहाँ पे टीम बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक आपके लिए टीम बनाई है, तो आप वैसे ही कुछ अपने हिसाब से बना सकते हो, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप मेरे पूरे टीम को कॉपी कीजिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ से मैं विकेट कीपर के ऑप्शन में से गया हूँ जॉस बटलर के साथ, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो टीम के साथ, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस पता है जॉस बटलर ने जो IPL में किया हुआ है, तो उस वजह से मैंने उनको पिक किया हुआ है, तो अच्छे खासे ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप इनके साथ आप जा सकते हो, मोस्टली स्मॉल लीग्स में आप इनको ही दिखे हुए जॉस बटलर के साथ। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन में, यहाँ पे बहुत सारे बैट्समैन हैं जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से मल्टीपल लीग्स में आप ज्वाइन करने जैसी टीम्स बना सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पिक किया हुआ है एरन फिंच को, तो यहाँ से मैंने एरन फिंच को पिक किया हुआ है, फिर यहाँ से मैंने पिक किया हुआ है शॉन मार्श को, फिर यहाँ से मैंने जॉनी ब्रावस्टोव को, फिर यहाँ से मैंने पिक किया हुआ है एलेक्स हेल्स को, तो ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ से 4 पिक किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से आपको कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं दिखने, तो जो रूट है ई मॉर्गन आपको दिख सकते हैं खेलते हुए, फिर जो रूट थोड़े बहुत डाउटफुल है पर फिर भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल, ये सीरीज़ में अगर आपको कुछ धमाकेदार देखने मिल सकता है वो ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले में से देख सकता है, जैसे कि कोच बोल रहे थे, तो ये एक आपके लिए ग्रैंड लीग टिप हो सकती है, अगर आप एक टीम में रखना ज़रूर और उसे कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाए, ये 5 ODI में कहीं ना कहीं पे तो वो खेल के जाएंगे और धमाका दे सकते हैं। यहाँ से हम बात कर लेते हैं डार्सी शॉट की, तो यहाँ से डार्सी शॉट को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन ओपन भी किया जा सकता है यहाँ से हेड्स के साथ, ट्रैविस हेड्स के साथ, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जैसे कि लास्ट मैचेस में देखा गया था मेडेक्स और सोवेक्स के बीच में जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था वहाँ पे, उस वजह से मेरे को थोड़े बहुत डाउटफुल लगते हैं, वरना तो डार्सी शॉट ओपन करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। यहाँ से आपके पास जा सकते हो एक अच्छा खासा ऑप्शन है यहाँ पर जेसन रॉय का, फिर यहाँ से आपके पास ऑप्शन है सैम बिलिंग्स का, तो ये सारे ऑप्शन से आप इनके साथ आप मल्टीपल लीग्स ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से बात कर ले तो ऑलराउंडर्स के यहाँ से, तो मैंने यहाँ से मार्कस स्टोनिस को लिया हुआ है, ट्रेविस हेड को लिया हुआ है, यहाँ से मोहन अली को लिया हुआ है, यहाँ पे डेविड विली जो एक अच्छे ऑप्शन है, तो उनको मैं पिक नहीं किया हुआ है क्योंकि थोड़े डाउटफुल भी हो सकते हैं यहाँ पे, डाउटफुल है मेरे हिसाब से, तो उस वजह से मैंने पिक नहीं किया हुआ है उनको। कोई भी कंफर्मेशन आती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। यहाँ से मैं माइकल नसी को आप ले सकते हो, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन मिल सकते हैं यहाँ से आपको।
अब बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शंस के। यहाँ पे मुझे एंड्रयू ट्रे को लेना था, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तो डाउटफुल है, लेकिन अगर कोई भी कंफर्मेशन आती है तो आप एंड्रयू ट्रे को ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। फिर यहाँ से मैंने पिक किया हुआ है केन रिचार्डन सर को, जो मेडेक्स और सुरेक्स के बीच में जो मैच हुआ था, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिले थे यहाँ से। फिर यहाँ से बिली स्टैंकेट को लिया हुआ है, ये भी थोड़े डाउटफुल है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो जैसे ही मिलेगा तो आपको बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। फिर लैम पेंकुवेट है, ये एक अच्छी खासी ऑप्शन है, जो इंग्लैंड की तरफ से अच्छी खासी बॉलिंग की थी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ से। फिर आप ट्राई करना किस किस से आप ट्राई कर सकते हो वो मैं बात कर लेता हूँ। अगर एंड्रयू ट्रे आते हैं तो एंड्रयू ट्रे के साथ आप जा सकते हो, एल राशिद एक स्पिनर ऑप्शन मिल सकते हैं यहाँ से, नथन लॉयन के साथ आप जा सकते हो, फिर यहाँ से आप जा सकते हो मार्क वुड के साथ, और फिर यहाँ से हम बात कर लेता हूँ एस्टन अगर के, जो जहाँ पे स्पिन गेंदबाज है ये, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था मेडक्स और सुरेक्स के बीच में, अराउंड एक गेम में तो उन्होंने 3 विकेट्स भी निकाले थे, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था अगर ने, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। फिर ये दोनों भी डाउटफुल, ये तीनों भी मेरे हिसाब से डाउटफुल प्लेयर्स है, तो आप इन्हें मत पिक कीजिएगा। तो मैंने आपको जैसे ऑप्शंस बता दिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आप एक ही टीम बना रहे हो तो आपके लिए ये रिस्की हो सकता है, लेकिन आप मल्टीपल लीग्स बनाओगे तो जहाँ पे मैं आपको एक जैसे आपको अगर ड्रीम इलेवन टीम में नहीं बनाना तो आप माई टीम इलेवन में जाके खेल सकते हो, वहाँ पे सिर्फ 4 रुपीज़ का एंट्री फ़ी है, तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी टीम्स बनाने मिल सकती है वहाँ पे, तो आप अच्छी खासी विनिंग्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात पहले बता देता हूँ, ये एक टीम बनाने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा ये मैच। तो यहाँ पे मैंने कैप्टन को रखा हुआ है मार्कस स्टोनिस को, बहुत ही अच्छा बॉलर और बैट्समैन दोनों भी है, और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था लास्ट 2 गेमों में, तो उसके वजह से मैंने उनको रखा हुआ है। फिर यहाँ से जॉनी ब्रावस्टो को रखा हुआ है एज अ वाइस कैप्टन, क्योंकि अभी अगेंस्ट यहाँ पे स्कॉटलैंड के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया सेंचुरी मारी थी, तो उस वजह से मैंने उनको पिक किया हुआ है। लेकिन आपको अगर और कौन से ऑप्शन चाहिए आपको, तो यहाँ से आप ऑप्शंस देख सकते हो एरन फिंच के साथ, जिन्होंने लास्ट गेम में 50 रन मारे थे और अच्छी खासी बॉलिंग, ट्रैविस हेड को भी आप रख सकते हो, उन्होंने लास्ट गेम में सेंचुरी मेडेक्स और सुरेक्स के बीच में सेंचुरी भी मारी थी, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये एरन फिंच एक ऑप्शन हो सकता है, शॉन मार्श अच्छे ऑप्शन है, एलेक्स हेल्स अच्छे ऑप्शन है, ब्रस्ट्रो एक अच्छा ऑप्शन है, जॉस बटलर भी एक अच्छा ऑप्शन है, मार्कस स्टोनिस अच्छा ऑप्शन है, मोहन अली एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे हिसाब से आप पूरे 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 पूरी टीम को रख लो, मेरे हिसाब से यहाँ पे तो बहुत ही एक अच्छी खासी टीम है, और यहाँ पे आप किससे रखोगे ये एक आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ऑल द बेस्ट बोल देना चाहता हूँ। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगी सारे सारे की प्लेयर्स, और साथ ही साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी मैं आपको दे दूँगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको मिल दूँगा, अगर थोड़ा कल बिजी हो सकता हो, और इस वजह से मैं अभी वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। लेकिन ये सारे रिपोर्ट्स और न्यूज़ अगर कोई भी न्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डाल दूंगा उसके, तो मैं गारंटी देता ही हूँ आपको। लेकिन चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे कि मैंने बताया था, एरन फिंच, शॉन मार्श, जॉर्ज बटलर है, वेस्टर्व है, एलेक्स हेल्स यहाँ से, मार्कस स्टोनी, ट्रेविस हेड है, मोहन अली को रख सकते हो आप यहाँ से, आप फिर रिकार्डसन को रख सकते हो, जो 3 से 4 विकेट्स आराम 2 से 3 विकेट्स तो इजीली निकाल सकते हो ओडीआई में, और फिर यहाँ से आप रख सकते हो ई मॉर्गन को, आप रखना चाहते हो तो मॉर्गन को रख सकते हो, जो रूट है, जसन रॉय है, ये बड़े बड़े नाम्स है, तो आप इन्हें भी रख सकते हो, जसन रॉय है, फिर जो रूट है, आप इन्हें भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन आप अलग अलग टीम से में आप रख सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना काफ़ी, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया तो उसके लिए सॉरी भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।